आई जेवीएन ज्योति वैदिक डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सबसे पहले मैक्सवेल ने सन 1870 में यह संकल्पना रखी कि विद्युत अवशोषित कणों को जब त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो तरंगों के रूप में संचारित होते हैं. इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विकिरण कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिन्यूम ऑफ ऑल रेडिएंट एनर्जीज कैन बी कोटेड आइदर एज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ चार्ट नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इट रेंजेस फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ्स इंक्लूडिंग एक्स रेज एंड गामा रेज टू लॉन्गर वेवलेंथ्स माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स. विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उन सारी आवृत्तियों के विवरण आते हैं जो संभव है. किसी वस्तु का चुंबकीय वर्णक्रम उस वस्तु से विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अभिलक्षणिक वितरण या प्राय केवल वर्णक्रम होता है. विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम निम्न आवृत्तियों जो कि न्यूटन रेडियो में प्रयोग आती है से लेकर गामा विकिरण तक होता है जो कि सहस्त्रों किलोमीटर की तरंग दैर्ध्य से लेकर एक अणु के नाप के एक अंश के बराबर तक की सारी आवृत्तियों को लिए होता है. हमारे ब्रह्मांड में लघु तरंग दैर्ध्य सीमित है, प्लैंक दूरी के आसपास तक, और दीर्घ तरंग दैर्ध्य सीमित है ब्रह्मांड के आकार तक. वैसे वर्णक्रम को अनंत ही कहते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंस्टिट्यूएंट कलर्स इन व्हाइट लाइट इज नोन एज डिस्प्रेशन. स्पेक्ट्रम के विभिन्न विभागों में सुविधा के लिए साधारणतः तरंग दैर्ध्य के विभिन्न भिन्न एकक प्रयुक्त होते हैं. रेडियो प्रसारण में एक मीटर को एक माना जाता है तथा रेडियो के सूक्ष्म तरंग विभाग में एक किलोमीटर को एक माना जाता है. अवरक्त वर्णक्रम के लिए 10 से 4 से मीटर तक एकक प्रचलित है. दृश्य प्रकाश के लिए इससे भी छोटे 10 to 8 सेमीमीटर के एकक की आवश्यकता होती है. 10 to 4 सेमीमीटर के एकक को म्यू और दृश्य प्रकाश के एकक को आंगस्रक कहते हैं. विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की दृष्टि से एक्सरे और गामा किरणों में कोई भेद नहीं है. एक्सरे प्रयोगशालाओं में उत्पन्न किए जा सकते हैं और गामा किरण रेडियोधर्मी पदार्थों से प्राप्त होती है. विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में अत्यंत स्वल्प तरंग दैर्ध्य का विवरण विभाग एक्सरे तथा गामा किरणों का है. विकिरणों का अगर प्रकार देखा जाए मुख्यतः विकिरण 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा विकिरण. ये सभी एक अस्थिर परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होते हैं. स्वतः स्फुट होने वाले परमाणु विखंडन पॉजिट्रॉन उत्सर्जन और न्यूट्रॉन उत्सर्जन सामान्यतः कम देखने में आते हैं. इलेक्ट्रॉन ग्रसन के परिणाम से स्वतः स्फुट क्षयकरण एक्सरे का उत्सर्जन होता है. रेडियम के कुछ
आइसोटोप्स क्षय विधा में होते हैं जहां वे एक संपूर्ण 12C6 नाभिक का उत्सर्जन करते हैं. Uses. Most part of the electromagnetic spectrum are used in science for spectroscopic and other probing interradiation as well as to study and characterize matter. In attention radiation from various parts of the spectrum has found many other uses for communication and manufacturing. Thank you. आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखा कि किस प्रकार से यह है और गामा रेज अल्फा बीटा यह किस प्रकार से हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है. होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माय डिजिटल सेशन. इफ यू हैव एनी क्वारी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स. आई विल रिजॉल्व इट. थैंक यू.